में आपका स्वागत करता हूँ आज की नई वीडियो में। तो गाइज, ये जो सेट देख रहे हैं मेरे हाथ में, वीवो U10। तो गाइज, इसमें मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि जैसे कि क्या होता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम होती है आपके फ़ोन में, जैसे कि क्या होता है एक जगह से आप दूसरी जगह जाते हो या फिर यूपी हरियाणा साइड जाते हो तो आपको क्या होता है, नेटवर्क प्रॉब्लम होती है या फिर कॉल में कोई इश्यू होता है आपके, यानी कि जो सिम में जो है नेटवर्क नहीं आ पाते किसी कारण। तो आज की वीडियो में फ्रेंड आपको मैं यही बताने वाला हूँ। ओके गाइज, तो गाइस इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि नेटवर्क प्रॉब्लम कैसे आती है। तो देखिए क्या करना होगा गाइस, आपको अपनी सेटिंग का ओपन कर लीजिएगा और सेटिंग का ओपन करने के बाद देख सकते हैं गाइस यहाँ पर जो है ड्यूअल सिम एंड मोबाइल नेटवर्क पर आपको क्लिक कर लेना है। ओके गाइस, तो देखिए गाइस जो है कि आपके सिम में 1 में या 2 में जो है नेटवर्क नहीं आते हैं, तो देखिए क्या करिएगा, SIM 1 पे जैसे कि मान लीजिए SIM 1 में नेटवर्क नहीं आते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा गाइस, यहाँ से देखिए, ये देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है गाइस, यहाँ पर जैसे कि आपकी जो सिम है 3G हो रखी है, 3G से 2G। ओके, और आप देखिए एक राज्य से दूसरे राज्य जा चुके हैं, यानी कि जैसे UP से जो है आप हरियाणा चले गए हैं। ओके, तो आपकी रोमिंग डाटा जो है आपकी ऑन नहीं है, तो इसको आप ओपन कर लीजिएगा। ओके, और रोमिंग का ओपन करने के बाद देख सकते हैं अगर आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम आती है तो देखिए इसको जो है 4G में कर लीजिएगा। ओके, जिससे कि आपके नेटवर्क प्रॉब्लम भी आएगी और जो है आपको जो है नेट जो होगा यानी कि सिग्नल आपके फ़ोन में अच्छी तरह आते रहेंगे। ओके गाइस, जैसे कि आई होप गाइस आप सीख गए होंगे कि जो है मोबाइल नेटवर्क प्रॉब्लम कैसे ठीक करें। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई, चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। आज की वीडियो बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।